अभिवादन स्वीकार कीजिए नासिर का। दोस्तों, संगीत के जितने जानने वाले हैं और नहीं भी जानने वाले हों तो उन्होंने जाने अनजाने एमी का नाम तो सुना ही होगा। ये दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इन दोनों तस्वीरों में सिर्फ 8 साल और 3 साल का फर्क है। जानते हैं किसकी तस्वीर है? ये तस्वीर है मशहूर ब्रिटिश सिंगर एमी वाइनहाउस की। इन 8 सालों में एमी वाइनहाउस ने जिंदगी के कई रूप देखे। ब्रिटेन में सुबह का सूरज निकलते ही एमी के गाने हर दुकान, रेडियो स्टेशन, कॉफी कॉर्नर और गाड़ियों के स्टीरियो में बजना शुरू हो जाते। उसकी जज्बात से लबरेज आवाज हर आईपैड और हेडफोन में गूंज रही होती। वो लग्जरी गाड़ियों, आलीशान होटल, अमीरों की महफिलों की भीड़ में दिखाई देती। फिर वो वक्त भी आया दोस्तों, यहाँ तस्वीर कैसे बदलती है, हालात कैसे बदलते हैं यदि हमने अपने आप को नहीं संभाला तो, कि फिर वो वक्त भी आया जब रात गए लंदन की तारीख गलियों में औंधे मुंह पड़ी हुई नजर आती एमी। बार और क्लब ने उनकी एंट्री पर पाबंदी लगा रखी थी। नशे और डिप्रेशन में एमी का हुस्न, शोहरत, इज्जत, आलीशान जिंदगी सब खत्म हो चली थी। 8 सालों में एमी ने जिंदगी का हर रूप देखा। अधूरे रिश्ते, अपनों की बेमुरवती, मतलबी दोस्त, उन सब से एमी तन्हाई और डिप्रेशन का शिकार होती गई। उसके जज्बात उनके गानों में भी मिलते हैं। ये जिंदगी की रंगीनियों से दूर होती गई। अपने आखिरी वक्त में वो बिल्कुल तन्हा हो गई थी। 23 जुलाई की सुबह 27 साल की एमी वाइनहाउस की लाश अपने फ्लैट से इस हालत में मिली कि पूरा कमरा शराब की खाली बोतलों से भरा हुआ था। एमी की दिल दहलाने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जिसमें उसके जिस्म में अल्कोहल की मात्रा खून की मात्रा से ज्यादा थी। दोस्तों, शोहरत का नशा, दौलत का नशा, ये भी सर चढ़कर बोलता है और शराब का नशा भी सर चढ़कर बोलता है। नशा चाहे जिसका हो, उससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि फिर आप काबू में नहीं रहते। अपना ख्याल रखिएगा।